तो गीता को एजुकेशन टीटी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलई सेकंड ईयर विश्वविद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा। कल हमने विद्यालय के परिचय के बारे में, संकल्पना के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट पॉइंट अपना विद्यालय के उद्देश्य। तो विद्यालय के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो शिक्षा विद्यालय से जुड़ा एक प्रमुख घटक है, और शिक्षा जो होती है वो बहुउद्देश्य होती है। इस प्रकार देखें तो इसके अनेकों उद्देश्य होते हैं। बच्चे का चौमुखी विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, तो ऐसे बहुत से कारक हैं जो विद्यालय के उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम बात करते हैं विद्यालय के उद्देश्यों की। तो विभिन्न आयोगों समितियों ने शिक्षा के उद्देश्यों पर काफी मनन चिंतन किया। जैसे समिति शिक्षा के उद्देश्यों पर काफी मनन किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने अकादमिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों पर बल दिया। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने की वकालत की। परिणाम स्वरूप शिक्षा के कार्य अनुभव तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तदुपरांत क्रियात्मक कार्यक्रम पीओए 1952 में इस बात पर बल दिया गया कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि वे अपने उद्देश्यों में सफल हो सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनएसए 2005, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनएसए 2009 में भी विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों का विश्लेषण किया तथा बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। उक्त विवरण के आधार पर विद्यालय के उद्देश्यों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। अधिगम अनुभव को रोचक, प्रभावशाली एवं समृद्ध बनाना। छात्रों का अधिगम न केवल समृद्ध हो बल्कि रोचक एवं प्रभावशाली भी हो। छात्र सहज भाव से इन अनुभवों को प्राप्त करने में अग्रसर हो सके। विद्यालय इस उद्देश्य की प्राप्ति में तभी सफल हो सकते हैं जबकि वे छात्रों को उपयुक्त अधिगम वातावरण प्रदान करें। अधिगम अनुभव को रोचक या समृद्ध में प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है कि जो कुछ भी बच्चे को सिखाया जाता है वह शिक्षक ने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं वह अनुभव अधिगम के अंतर्गत रोचक रोचक होने के साथ साथ प्रभावशाली भी होने चाहिए। विद्यालयों को अपना पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं संपूर्ण वातावरण को बदलना होगा। एनएफसी 2005 के अनुसार शिक्षा विद्यालय उन अनुभवों का चुनाव कर सकते हैं और उनकी योजना बना सकते हैं जो उनके अनुसार बच्चों के लिए लाभप्रद हो सकती है। शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या की परिकल्पना ऐसी संरचना के रूप में की गई है जिन आवश्यक अनुभवों को स्पष्ट रूप से मुखरित कर सके। एनसीएफ 2005 के प्रश्न 5 पे लिखा है, पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि वह बच्चों को चहुंमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए जाए, इसके कि वे पाठ्य पुस्तक केंद्रित बन करके रह जाए। व्यक्ति का समग्र विकास करना। विद्यालय का दायित्व है कि वे ऐसा वातावरण प्रदान करे जिनमें छात्रों का चहुंमुखी विकास संभव हो सके। यही कारण है कि अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए उन विद्यालयों का चयन करते हैं जिनमें इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित होती हो, जिनमें बच्चों का समग्र विकास संभव हो, चहुंमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे गतिविधियां आयोजित करनी होगी जिनमें छात्रों का बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यावसायिक कुशलता।
का विकास करना। तो विद्यालय का यह भी एक उद्देश्य होता है कि व्यक्ति शिक्षित होने के बाद में उसमें कोई न कोई व्यवसायिक कुशलता का आना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं हो कि बच्चा शिक्षित होने के बाद में फिर अपने जीवन के अंदर ऐसे चौराहे पे जाके खड़ा हो जाए कि अब कौन से रास्ते से निकलना है। तो इस प्रकार की शिक्षा या कहें केवल सैद्धांतिक जो शिक्षा है वो भी किसी काम की नहीं है। विद्यालय में विद्यार्थी विभिन्न विषयों एवं गतिविधियों के माध्यम से कुछ ऐसी कुशलताओं का विकास करते हैं जो किसी भी व्यवसाय को करने में आवश्यक होती है, जैसे साधारण चातुर्य का विकास, ईमानदारी, कर्मठता, परिश्रम, भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, ताकि वह अपने जीवन के अंदर इन विषयों की कुशलता प्राप्त करके और आगे अपना आसानी से जीवनोपार्जन कर सके और जीवन की नैया को चला सके। इन कुशलताओं का अर्जन करके बालक किसी भी व्यवस्था में सफलता प्राप्त कर सकता है। विद्यालय का यह उद्देश्य है कि बालक में इन कुशलताओं का विकास करे। प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। तो भारत जो है वह हमारा प्रजातांत्रिक देश है, तो इसलिए बच्चों के अंदर प्रजातांत्रिकता का विकास होना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारा जो प्रजातंत्र है वो केवल मात्र एक दिखावा रह करके रह जाएगा। डॉक्टर रविंद्र अग्निहोत्री का विचार है कि प्रजातंत्र केवल एक शासन पद्धति नहीं है, वह एक जीवन पद्धति है। यदि हम शासन पद्धति के रूप में उसे सफल बनाना चाहते हैं तो पहले हमें जीवन पद्धति के रूप में सफल बनाना होगा। निकट अतीत में अपने देश में जो शासन व्यवस्था थी वह बहुत उच्च सामंती व्यवस्था थी, जिसमें धनी निर्धन, शिक्षित अशिक्षित, शहरी ग्रामीण, ऊंच नीच आदि विभिन्न प्रकार के भेदभाव किए जाते थे और हमारा समाज और विभिन्न आयामों में बंटा हुआ था। ऐसी व्यवस्था जो प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति और शासन पद्धति दोनों के लिए अभिशाप थी, क्योंकि उसके अंदर एक विशेष वर्ग के लिए ही शिक्षा दी जाती थी। निम्न वर्ग है या गरीब है, अशिक्षित है या ग्रामीण है, या ये कहें कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर सबसे नीचे पायदान में जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस अभिशापपूर्ण व्यवस्था को बदलना विद्यालय का काम है। आज विद्यालय में शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो देश के लिए योग्य सच्चे नागरिक तैयार कर सके, जो उनमें परिपक्वता, त्याग, सत्य असत्य, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। तो इस प्रकार प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना भी विद्यालय का एक प्रमुख उद्देश्य है। आज विद्यालय में शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो देश के लिए योग्य सच्चे व ईमानदार नागरिक तैयार कर सकें, जो उनमें मानसिक परिपक्वता, सत्य का ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हुए उन्हें अंधविश्वासी और रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करने की शक्ति प्रदान कर सकें, उनमें देश प्रेम, भाषा लेखन में स्पष्टता, सामाजिक भावना, अनुशासन, सहयोग की भावना आदि गुणों का विकास होना बहुत जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति के मनुष्य के रूप में सम्मान व योग्यता के आधार पर आधारित होता है। उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं जो अपने साथी नागरिक के साथ शालीनता, सामंजस्य, प्रेम, भाईचारा, कार्य कुशलता के साथ जीने की शैली के आवश्यक गुणों को पोषित न करती। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि विद्यालय का यह प्रमुख उद्देश्य है कि वे इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करें ताकि बालकों में प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास हो सके। नेक्स्ट है नेतृत्व का विकास। जीवन के प्रत्येक पद पर नेतृत्व का विकास। जीवन के प्रत्येक पद पर हमें नेतृत्व
जीवन के प्रत्येक पद पर हमें नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो हमारा घर का वातावरण हो, चाहे विद्यालय का वातावरण हो या विद्यालय के बाहर हो। एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते उसे आशा की जाती है कि वो परिवार का नेतृत्व करे, समाज का नेतृत्व करे, समुदाय का नेतृत्व करे, राष्ट्र का नेतृत्व करे। क्योंकि उदाहरण के लिए हम देखते हैं, खेल के मैदान में भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या है कि नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा और हमारे अन्य सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं उनके अंदर भी हमें नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, समुदाय का नेतृत्व करना पड़ता है। इसी कड़ी के अंदर आगे चल करके हम कि राजकीय सेवा के अंदर जाएं या राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जाएं, किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएं तो हमें, या व्यवसायिक संगठन के अंदर जाए तो भी नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। कहीं ना कहीं हमें नेतृत्व करना ही पड़ता है। तो विद्यालय का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चे के अंदर है जो नेतृत्व गुणों का विकास है करे। नेक्स्ट है सामाजिक एवं राष्ट्रीयता का विकास करना। किसी शक्तिशाली संगठित राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है कि वहाँ के नागरिकों में सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो सके। इसमें राष्ट्र के भविष्य के प्रति असमित होंगे, उसका जीवन स्तर निरंतर ऊंचा होगा, बेरोजगारी दूर होगी, लोगों में निष्ठा संपूर्ण राष्ट्र के प्रति होगी, न कि किसी वर्ग विशेष के प्रति, क्योंकि हमारा समाज विभिन्न वर्गों के अंदर बंटा हुआ है। सरकारी सेवा में चारित्रिक दृढ़ता वाले लोग आएंगे जो भ्रष्टाचार रहित निष्पक्ष प्रशासन दे पाएंगे, तथा राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के लोग दूसरे वर्ग के लोगों के लिए अपनी सद्भावना एवं सम्मान का भाव विकसित कर पाएंगे। इस विवेचन स्पष्ट होता है कि हमारे विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है कि बालकों में इन भावों का विकास करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे के अंदर सामाजिक एवं राष्ट्रीयता का विकास किया जाता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास होना अत्यंत ही आवश्यक है। एक समाज या दूसरे किसी समुदाय के प्रति उसका जो लगाव है वो होना चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए, जिससे सांप्रदायिकता की जो भावना है वो पैदा नहीं होगी। आध्यात्मिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना। राधाकृष्ण कमीशन 1948 एवं श्री प्रकाश समिति 1959 ने आगाह किया था कि हमारा देश आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का गुरु होते हुए भी वर्तमान में इन मूल्यों का शरण हुआ है। यानी नैतिक मूल्यों के बारे में यदि हम बात करें तो भारत जो हमारा विश्व गुरु रहा है, यानी केवल भारत में नहीं नैतिक गुणों का विकास पूरे विश्व के अंदर इन्होंने फैलाया है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उन्होंने भी क्या है कि आध्यात्मिकता एवं नैतिक गुणों के विकास के लिए कई देशों की यात्राएं की, और भारत के अंदर जो नैतिक गुण लोगों के अंदर पाई जाती है उनका प्रचार प्रसार विकास किया गया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां है जो बहुत कुछ बदल चुकी है, हम आध्यात्मिकता का त्याग करके आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पाश्चात्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि नैतिक गुणों का क्षरण हो रहा है, नैतिक गुणों का पतन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि हमारे देश का विकास है वह अवरुद्ध हुआ है। आध्यात्मिक एवं नैतिक गुणों के अभाव में आज हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार, व्यभिचार, लूटपाट, हत्याएं, डकैती, चोरी, छीना झपटी, नारी उत्पीड़न जैसी जो घटनाएं आए दिन हम रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिकाएं, अखबार या मोबाइल के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से निर्ममता से जो है नारियों की हत्या कर दी जाती है, महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, लड़कियों के साथ बदसलूकी की जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक कि कई घटनाएं तो इस प्रकार की है जो हमारे हृदय को झकझोर देती है, यानी बहुत ही अल्पायु या कम उम्र की जो
बच्चे बच्चे उनके साथ भी भिन्न प्रकार के शारीरिक उत्पीड़न किए जाते हैं। इसका भी प्रमुख कारण ये है कि हमारा जो नैतिक मूल्यों का जो ढांचा है या जो संरचना है वो बिल्कुल भी चरमरा गई है। अत्य विद्यालयों के उद्देश्य है कि छात्रों में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करें ताकि हमारा समाज एवं सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज बन सके। अगर प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो आध्यात्मिकता एवं नैतिक मूल्य से हुआ करते थे कि लोग घरों के ताले भी नहीं लगाते थे, और कहीं किसी चोरी की घटना की भी अगर कोई सूचना मिलती थी तो पूरे गांव की या एक समुदाय की बात होती कि यहाँ पर ये चोरी हुई है, यानी उसको एक नफरत या घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। तो इसीलिए समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए आध्यात्मिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना अति आवश्यक है, जो विद्यालय का एक प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि इसके बगैर हमारे समाज या हमारे देश के अंदर जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं जो ये चरमरा गई है या इस प्रकार की जो व्यभिचार जो पैदा हो गया है यह खत्म नहीं होगा जब तक हमारे अंदर नैतिकता के मूल्यों का विकास नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय की समझ विकसित करना। विद्यालय के उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में एक ऐसी समझ विकसित करें जिससे कि वे समुदाय को समझ सकें तथा उनके अंदर अपनत्व एवं लगाव की भावना विकसित हो सके। इससे विद्यालय तथा समाज के संबंधों को समझने तथा विकसित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वो विभिन्न प्रकार के समुदायों के अंदर है जो बंटा हुआ है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन आदि। तो यदि हम इन समुदायों की अच्छी तरह से जब तक समझ नहीं रख पाएंगे तब तक क्या है कि वर्तमान समय हम देख रहे हैं कई प्रकार के जो सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे हैं तो उन पर नियंत्रण करने के लिए भी प्रत्येक समुदाय को अच्छी तरीके से समझना, उसके रीति रिवाज परंपराओं को समझना, उनके विचारों भावों को समझना ये बहुत जरूरी है। तो ये भी विद्यालय का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट NCF 2005 के अनुसार सौंदर्य व कला के विभिन्न रूपों को समझ करके उनका आनंद उठाना मानव जीवन का अभिन्न अंग है। कला, साहित्य और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में सृजनात्मकता का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, यानी कला, साहित्य एवं सौंदर्य का हमारे जीवन के अंदर बहुत अधिक महत्व है। उनको अच्छी तरह से समझना, उनसे आनंद उठाना, विभिन्न प्रकार के कला और साहित्य में सृजनात्मक कार्य करना, बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्यात्मक आस्वादन की क्षमता के विस्तार के लिए संघन व उपयुक्त अवसर मुहैया कराना विद्यालय का एक अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, बाकी नेक्स्ट।